कोविड-19 अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित कैदी द्वारा शराब का सेवन करने की घटना पर संटू गुप्ता एवं छोटू गुप्ता पर सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड सेंटर में शराब पीने की घटना को लेकर धनबाद के उपायुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। घटना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने ASI सुरेंद्र राम, आरक्षी भागी उड़ाव, चौकीदार भीम क्रमांकर तथा सेंट्रल हॉस्पिटल की सुरक्षा में तैनात हवलदार ओम प्रकाश मिश्रा, सिपाही कुलदीप उड़ाव, गुलाब चौधरी, भोला उड़ाव तथा दुखराज उड़ाव को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिले के SP को इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने घटना के दिन कोविड-19 अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, सिस्टर किरण कुमारी तथा शारदा कुमारी एवं वार्ड बॉय शंकर से भी स्पष्टीकरण पूछने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश BCCL प्रबंधन को दिया है। उपायुक्त ने कहा, इस घटना में सभी आरक्षी जिनके द्वारा कैदियों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा अस्पताल की सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं जवान ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई और आगंतुकों के प्रवेश के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इनकी भूमिका अत्यंत संदिग्ध मालूम पड़ती है, इसलिए वरीय पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम गठित कर अविलंब इस मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है। बिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।